अल्हम्दुलिल्लाह जी, रमज़ान की पहली सहरी कंप्लीट हो गई है तो खा पी लिया अल्हम्दुलिल्लाह। आज पहले की निस्बत तो ज़्यादा नहीं कुछ खाया पिया गया, क्योंकि नए नए जब रमज़ान स्टार्ट हो तो सहरी नहीं होती। तकरीबन एक रोटी भी मुश्किल से मैंने खाई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो जो दिन आगे बढ़ते जाएंगे तो खाने की रूटीन भी बढ़ती जाएगी। गिरफ्तार किया होता है, इसके बावजूद असी लोग गुनाहों की तरफ मायल हो जाते हैं। पहले तो अगर कोई गलती करिए कहने शैतान ने बहकावे लैंदे लै लिया, शैतान के बहकावे असी आ गए, शैतान ने बनवा लिया। इस महीने के अंदर गलती करने फिर तुम शैतान भी जरा कसूरवार नहीं ठहरा सकेंगे। इस वास्ते कि असी बाकी जिंदगी के अंदर 11 महीनों के अंदर असी गुनाह कर करके अपने नफ्स में गुनाहों से इतना असी पक्का कर लिया होता है कि शैतान तो बगैर भी साड़ी तबीयत गुनाह की तरफ मायल होती है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, नमाज फजर अदा हो गई है और नमाज फजर अदा करने के बाद घर वापस आ गया हूँ। सुबह सुबह फजर की नमाज अदा करने का एक अपना ही मज़ा है। एक तो पूरा दिन आपको सुस्ती नहीं होती और आपकी थकन पूरा दिन की ख़त्म हो जाती है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أصحاب؟ उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं शहबाज़ अहमद, आज फिर एक खूबसूरत सी सुबह के साथ, खूबसूरत सी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। सबसे पहले तो रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अल्लाह करीम आप लोगों के सगीरा कबीरा, हम सब के सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए। तो आज पहला रमज़ान है जी, तो उम्मीद करता हूँ कि सब ने रोज़ा रखा होगा। आप लोग बड़ी किस्मत वाले हैं, बड़ी खुशबख्ती आप लोगों की कि आपकी हयात में अल्लाह पाक ने दोबारा से आपको रमज़ान नसीब किया जिसमें गुनाहों की बख्शिश होती है। अल्लाह करीम हम सब की दुआएं सुनता है, अल्तजाएं सुनता है। बड़ी खूबसूरत सी सुबह है जी, सबसे पहले सहरी की है। आज सहरी पे तो उस तरह खाया पिया नहीं गया क्योंकि पहली सहरी थी, इंशाल्लाह आगे रूटीन बन जाएगी। तो फिर नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान की तलावत की है। अभी तलावत करके मैंने कहा चले आप लोगों के साथ गपशप लगा लेते हैं। रमज़ान में खूब बारें लूटें जी, खूब इबादत करें, खूब अल्लाह को राज़ी करें। माशाल्लाह सुबह सुबह का मंज़र जी, माशाल्लाह वो देखें सूरज निकल रहा है, वो सामने सुबह का आगाज़ हो रहा है। माशाल्लाह ये देखें, माशाल्लाह गंदम भी तैयार है जी, देखें कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, हर तरफ गंदम बिल्कुल रेडी है। माशाल्लाह सुबह सुबह का मंज़र और परिंदों की चहचहाने की आवाज़ें, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। रोजा नहीं है आपका? क्यों मेराज? मेराज मेराज रोजा नहीं है? रोजा नहीं है? अरे मूसा क्या खा रहे हो? रोज़ा नहीं रखा आपने? बड़े गंदे बच्चे हो यार आप। मेराज ने रोज़ा रखा हुआ है? रोज़ा रखा हुआ है? रखे खाओ, अच्छा मज़े हैं आपके जी। क्या हुआ है? बैठ जा बैठ जा। ये पड़ा हुआ है, ये
ये तारक साहब है जी, ये मामू का बेटा है। तो ये कुछ ही दिन हुए हैं कराची गया था, मैंने इसको बोला था ना जाओ अभी, ये बोलता है नहीं कराची जाऊंगा, वहाँ पे जाके काम करूँगा। तो डाकू पड़ गए इसको, आए पूछते हैं इससे कि क्या हुआ, क्या माजरा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सुनाओ जी, खैर ठीक हो? आयो कराची हो? जी कराची तो हो, बस दो त्राई दिहाड़े वापस आए। क्या वजह हुई है? सुनया जनाब डाकू पै गए? वजह ये हुई है कि राती ड्यूटी ते जा रहे साजी 12 बजे, दो बंदे 1-5 था, एक बार सुना गया ला के लूट के दावे गए जुल्ले ने लूट के। कितने बंदे? सुनो बंदे दो सुनो, 1-5 मोटरसाइकिल था, बटुआ पूरा सी किन के जुल्ले ने, उसने 1500 रुपया सी, बाकी है कंपनी कार्ड, शनाख्ती कार्ड शर्ट वगैरह, दो दिहाड़े रहे, चौथे दिहाड़े पंजवें दिहाड़े वापसी हो गई। कराची मौसम की है जा, गर्मी है? बहुत गर्मी है कराची, बहुत गर्मी। इतना मौसम फिर ठीक है, साने ग्रान कराची बहुत गर्मी, इतना तो ठंड है, राती सवेरे नमाजा जाओ सरगी तो सर्दी लगनी है, उठा कराची गर्मी मो। रोजा की है जा रहा हूं? रोजा फिलहाल तो ठीक जा रहा है जी। तारक साहब से भी इंटरव्यू थोड़ा सा किया है, क्योंकि पिछले दिनों ये कराची गया था तो वहाँ पे जॉब कर रहा था, वैसे भाई की शादी थी इसलिए आया हुआ था कराची से। तो जब वापस गया तो ड्यूटी पे जा रहा था तो रास्ते में चोर पड़ गए इसे। मोबाइल तो ये घर रख के गया था, नया मोबाइल इसने लिया था, अगर मोबाइल साथ लेके जाता तो फिर इसका काम हो जाना था, क्योंकि ये घर आ गया वापस पंजाब में ही, बोलता है अभी मेरी तौबा, मैं कराची नहीं जाऊँगा। मिर्चे क्या खा रही हो? गंदी बच्ची, गंदी बच्ची। रोजा खुल गया मुसा, आपका रोजा खुल गया? अल्हम्दुलिल्लाह जी, पहला रोजा इफ्तार हो गया है खैरोफियत से, तो अल्लाह पाक हमारा रोज़ा अपनी बरगाह में कबूल फरमाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, मैं नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, अजान हो गई है। तो मिलते हैं कल खूबसूरत सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, शहबाज़ अहमद को दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।